पठान 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 झूमे जो पठान, मेरी जान महफिल ही लुट जाए। और कहीं ना कहीं सच में महफिल शाहरुख खान ने लूट ली है, बाजी शाहरुख खान ने मार ली है। शाहरुख खान अब दोबारा से अपना स्पॉट रीगेन कर चुके हैं। जो बादशाह वाला जो टैग था, जो किंग खान वाला टैग था, अब दोबारा से उनको मिल चुका है। जैसे बीच में थोड़े से डगमगाते हुए देखे थे, जैसे लोग उनको कह रहे थे कि यार मतलब शाहरुख खान का करियर ख़त्म हो गया, शाहरुख खान का समय ख़त्म हो गया। लेकिन अब इन सारी चीज़ों पर जितने लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, शाहरुख खान ने एक बड़ा सा फुल स्टॉप लगा दिया है और सेंटेंस वहीं ख़त्म कर दिया है, क्योंकि शाहरुख खान इज़ नॉट फिनिश्ड येट। और भाई ये चीज़ उन्होंने खुद ब खुद कर दी है। पठान रिलीज़ होने के बाद तो क्या हुआ है ऐसा, और कितनी कमाई हुई है पठान की, अब तक आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। शाहरुख खान द मैन ऑफ द मोमेंट राइट नाउ, बिकॉज जिस तरीके से लोगों ने शाहरुख खान पर सवाल उठाए कि यार शाहरुख खान का करियर तो ख़त्म हो गया, अब क्या ही कर लेंगे शाहरुख खान, लेकिन एक मूवी और ये सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे इंडस्ट्री से ख़त्म हो गए कि शाहरुख खान का करियर ख़त्म होने वाला है। क्योंकि इस मूवी ने ना सिर्फ शाहरुख खान को एक अलग अवतार में देखा, बल्कि एक ऐसे रूप में देखा जो बहुत लोगों के लिए नया था। वैसे तो कहने के लिए ये YRF की स्पाई यूनिवर्स थी, जिस स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे सलमान खान की एक था टाइगर, फिर सलमान खान की दोबारा से टाइगर जिंदा है, देन वॉर ऋतिक रोशन की, अब ये उस स्पाई यूनिवर्स की चौथी फिल्म है पठान। और कहीं ना कहीं पठान में सलमान खान ने अपना भी प्रमोशन कर ही दिया है टाइगर 3 का, तो आने तो वाले टाइगर 3 भी है। लेकिन आपको बता दे कि वर्ल्ड वाइड जो होता है ना इटेम्स नाउ, मतलब जल्द ही 1000 करोड़ रुपए पठान कंप्लीट करने वाला है। अभी इस मूवमेंट पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है ना, ग्रॉस कलेक्शन पठान का 946 करोड़ रुपीज़ है। पठान अभी पीछे है SS राजामौली के RRR और बाहुबली टू से पीछे है, देन KGF चैप्टर 2 और दंगल इन सबसे पीछे है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मूवी इसी तरीके से चलती रही तो जल्द ही इन सबको भी पीछे छोड़ देगी। और इस मूवी के सक्सेस पर तो भाई शाहरुख खान ने खुद कितनी सारी बातें बोली भी, मतलब जैसे सबसे पहले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को ही कॉन्ग्रेचुलेट किया कि यार मतलब ऐसी टाइप की मूवी सिद्धार्थ ही बना सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा आइडिया है कि इस तरीके की मूवी बनती कैसे है। और साथ ही साथ शाहरुख ने ये बोला कि ये एक ऐसी एक्शन फिल्म है, इकलौती ऐसी एक्शन फिल्म है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी हमेशा, चाहे वो सिनेमैटिक वे में हो या फिर स्टोरी वे में हो या फिर एक्शन वे में हो। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।